नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री ने एक बार फिर से आरुषि केस की यादें ताजा कर दी हैं। गुरुग्राम पुलिस को दिव्या के कत्ल के महज 4 घंटे बाद यानी 2 जनवरी की रात 9 बजे ये पता चल चुका था कि होटल सिटी पॉइंट में उसकी हत्या हो चुकी है। पुलिस वहां पहुंची भी और उसने होटल की तलाशी भी ली, मगर जब लाश नहीं मिली तो वहां से फौरन वापस भी लौट गई। फिर वही पुलिस जब 8 घंटे बाद दिव्या की लाश को ढूंढती हुई उसी होटल में दोबारा पहुंची तो लाश गायब थी। असल में रूम नंबर 114 में पुलिस दिव्या की लाश ढूंढ रही थी और लाश रूम नंबर 111 में पड़ी थी। महज 27 साल की उम्र में खूबसूरत दिव्या पाहुजा की इस दुनिया से विदाई हो गई। दिव्या की दिलकश तस्वीरों पर लोग फिदा हो जाया करते हैं। दिव्या महज 18 साल की थी जब उसकी गैंगस्टर संदीप गाड़ोली से दोस्ती हुई और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन दिव्या की आंखों के सामने उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर मुंबई में किया, मगर मुंबई पुलिस ने इसे कत्ल करार दिया और कत्ल के इस मामले में इल्जाम सिर्फ हरियाणा पुलिस पर ही नहीं बल्कि दिव्या पाहुजा पर भी लगा। और तो और दिव्या गिरफ्तार होकर जेल चली गई और पूरे 7 साल तक सलाखों के पीछे रही। लेकिन अभी जमानत पर बाहर निकले हुए दिव्या को महज 8 महीने ही हुए थे कि दिव्या पाहुजा का नए साल के दूसरे ही दिन गुरुग्राम में कत्ल हो गया। कत्ल का इल्जाम दिव्या के नए नए बॉयफ्रेंड और 56 साल के होटेलियर अभिजीत सिंह पर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद दिव्या से दुगनी उम्र के उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गोली मार दी, उसकी जान ले ली। पुलिस को बेशक अब तक दिव्या की लाश न मिली, लेकिन पुलिस ने उसके उस बॉयफ्रेंड अभिजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर उसकी जान लेने का इल्जाम है। और अभिजीत ने पुलिस हिरासत में दिव्या के कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई है वो लव, सेक्स, धोखे और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा कॉकटेल है जिसको समझने में अच्छे अक्षों का दिमाग घूम सकता है। गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में 2 जनवरी की शाम 5 बजे दिव्या का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद लाश निपटाने की भयानक तस्वीरें सामने आ गई। लेकिन अब कत्ल को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो भी कम दहलाने वाली नहीं है। पुलिस की माने तो दिव्या से दुगनी उम्र के उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत सिंह ने सिर्फ इसलिए दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि दिव्या अपने मोबाइल फोन से अभिजीत की अश्लील तस्वीरें डिलीट नहीं कर रही थी। असल में जमानत पर बाहर आने के बाद से ही दिव्या और अभिजीत रिलेशन में थे, लेकिन अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या उसे इसी रिलेशन की बदौलत ब्लैकमेल करने लगी थी। अभिजीत ने दबाव में आकर उसे एक बार 6 लाख रुपए भी दिए थे। दिव्या अक्सर अभिजीत से रुपए वसूला करती थी और हाल के दिनों में उसकी मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके चलते अभिजीत परेशान रहता था। असल में अभिजीत की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें दिव्या के पास थी और दिव्या इन्हीं तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। 2 जनवरी को दिव्या अभिजीत को होटल में इसलिए लेकर गया था ताकि वो उससे बात कर सके और उससे वो तस्वीरें डिलीट करा सके जो आपत्तिजनक है, मगर दिव्या नहीं मानी। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई और अभिजीत ने गुस्से में गोली चला दी। अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए। और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से, और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। कुछ पैसे उसने दिए भी हैं जैसा कि बताया है। दिव्या की हत्या रूम नंबर 111 में हुई। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस वारदात के बाद अभिजीत के होटल सिटी पॉइंट को लीज पर लेकर चलाने वाले अनूप ने खुद ही फोन कर पुलिस को होटल के कमरा नंबर 114 में लड़की की लाश पड़ी होने की खबर दी, क्योंकि यही वो रूम था जो होटल के मालिक होने के नाते हमेशा अभिजीत के लिए बुक रहता था। और इसीलिए अनूप को लगा कि कत्ल शायद रूम नंबर 114 में ही हुआ है। मगर हद देखिए
कि गुरुग्राम पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम यहां पहुंची। उसने यहां कमरा नंबर 114 को चेक किया, मगर जब उसे वहां कोई लाश नहीं मिली तो वो बैरंग वापस लौट गई। इसके बाद जब वही पुलिस दिव्या के घर वालों की शिकायत पर करीब 8 घंटे बाद दोबारा उसी होटल में पहुंची और सीसीटीवी कैमरा चेक किया, तब उसे न सिर्फ लाश निपटाए जाने की बात पता चल गई, बल्कि ये भी पता चल गया कि कत्ल कमरा नंबर 114 में नहीं बल्कि कमरा नंबर 111 में हुआ था। यानी पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी वो पहली चेकिंग के दौरान कत्ल वाली जगह पर यानी होटल में ही मौजूद था और लड़की की लाश महज 3 कमरों के फासले पर पड़ी थी, मगर पुलिस बेखबर रह गई। इस बीच रात 11 बजे के आसपास अभिजीत ने अपने गुर्गों की मदद से दिव्या की लाश ठिकाने लगवा और पुलिस को पता भी नहीं चला। सूचना मिली उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था, तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया, सर्च करके पुलिस वापिस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया। गुड़गांव पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए कि रात 9 बजे ही उन्हें जिस शख्स ने होटल को लीज पे लिया था ये बता दिया कि होटल के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम पहुंचती है, कमरा नंबर 114 की छानबीन करती है और वापस आ जाती है। और इसके बाद जब सभी आरोपी लाश को ठिकाने लगा देते हैं तो 2 घंटे बाद पुलिस वापस जाती है और तब उसे कमरा नंबर 111 के अंदर खून दिखते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो इस हत्या के बाद अभिजीत ने पहले होटल के 2 मुलाजिमों की मदद से लाश कमरे से बाहर निकलवाई और रात के अंधेरे में ही होटल के बाहर खड़ी अपनी BMW कार में रखवा दी। उसने लाश रखते हुए BMW कार न दिखे इसलिए बाहर से होटल के लाइट्स भी ऑफ करा दिए, लेकिन उसे होटल के CCTV कैमरों का ख्याल नहीं रहा। या फिर यूं कहें कि वो होटल का मालिक तो है, लेकिन चूंकि होटल इस वक्त लीज पर है उसकी मनमानी नहीं चली। गाड़ी में लाश रखने के बाद उसने अपने 2 खासम खास लोगों को बुलाया, बलराज गिल और रवि बंगा, और लाश वाली BMW की चाबी देकर उन्हें लाश ठिकाने लगाने भेज दिया। इसके कई घंटे बाद CCTV फुटेज की मदद से ही कत्ल का खुलासा तो हो गया, अभिजीत गिरफ्तार भी कर लिया गया, लाश ठिकाने लगाने में मदद करने वाले होटल के 2 मुलाजिम भी पकड़े गए, लेकिन लाश का फिर भी कोई पता नहीं चला। अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज। गुरुवार को पुलिस ने पंजाब के पटियाला से लावारिस हालत में पड़ी वो BMW कार भी बरामद कर ली, लेकिन कार में लाश नहीं थी, यानी अभिजीत के गुर्गे लाश को ठिकाने लगा चुके हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो कार से पुलिस को खून के धब्बे भी मिले हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि इसी कार में लाश थी, लेकिन दिव्या की लाश और दिव्या का मोबाइल फोन अब भी गायब है। गाड़ी के अंदर अभी RC तो नहीं मिली, गाड़ी के अंदर हमें सिर्फ एक ब्लड स्टेंस मिले हैं और कुछ नहीं मिला। ये तो सबूत मिला ही है कि इस गाड़ी के अंदर बॉडी ट्रांसपोर्ट हुई है कि वो ब्लड स्टेंस मिले हैं। दुपट्टा भी मिला था, तो ब्लड का ट्रेस नहीं, दुपट्टा कोई नहीं मिला, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। सर, हो सकता है कि इसको बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के कहीं जैसे रिवर्स आती है, भाग जाती है, वहाँ पे भी अभी तलाश कर रहे हैं बॉडी की। पुलिस ने इस मामले में अभिजीत समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की जांच भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस दिव्या की बॉडी नहीं बरामद कर सकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मोटिव निकल के सामने आ रहा है, जो आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ तस्वीरों की वजह से, और वो तस्वीर वो लेना चाहता था, मोबाइल का पासवर्ड मांग रहा था और जब दिव्या ने मना किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इस पूरी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही। पुलिस को कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे साजिश की आशंका नजर आ रही है। अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम बॉडी को तलाशने के लिए पंजाब पहुंची है, तो वहीं दूसरी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब कार लावारिस मिली है तो लाश ठिकाने लगाने वाले गुर्गे भी गायब। बगैर गुर्गों दिव्या की लाश और उसके मोबाइल फोन के नहीं मिलने से
कत्ल की ये कहानी साफ होकर भी पूरी तरह से साफ नहीं है। पटियाला से मुनीश कौशल और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गाडोली का जब मुंबई में एनकाउंटर हुआ तो मुंबई पुलिस ने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर कहा, और तो और उसने इस मर्डर में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या को भी गुनहगार ठहरा दिया। मगर क्यों, क्या थे मुंबई पुलिस के पास सबूत? ये कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बात आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली का एक छत्र राज चलता था। रंगदारी वसूली, सट्टेबाजी, रॉबरी से लेकर नाजायज कब्जे, शायद ही कोई ऐसा जुर्म था जिसमें संदीप गाडोली का नाम न आता हो। मगर जुर्म के इस खेल में संदीप अकेला नहीं था, बल्कि उसके होते हुए एक और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराया करते थे। इसी टशनबाजी में एक रोज गाडोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खासम खास अशोक गुज्जर का काम तमाम कर दिया। बस फिर क्या था, बिंदर अब गाडोली के खून का प्यासा बन गया। वो हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल है, और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। बिंदर ने अपने सूत्रों के जरिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से बात की और उन्हें गाडोली के बारे में पिन पॉइंट लोकेशन देने का वादा किया। पुलिस को और क्या चाहिए था, वो तो खुद ही संदीप गाडोली की तलाश में पिछले कई महीनों से दिन रात एक किए हुए थी। और बस यही वो पल था जब कहानी में दिव्या पाहुजा की एंट्री हुई। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष असल में गाडोली का ही गुर्गा था, और दिव्या और मनीष का ये रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गाडोली की नजर बला की खूबसूरत दिव्या पाहुजा पर पड़ी, और गैंगस्टर गाडोली इस अपकमिंग मॉडल पर लट्टू हो गया। अब दिव्या जैसा कहती गाडोली वैसा ही करता। मुंबई पुलिस की माने तो गाडोली के दुश्मन बिंदर गुज्जर ने एक ऐसा जाल बुना कि उसमें संदीप गाडोली बुरी तरह से उलझ कर रह गया। सबसे पहले आप इस जाल को समझिए, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। असल में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का एक खास आदमी है मनोज गुज्जर। मनोज गुज्जर पर भी जुर्म के कई मामले हैं, लेकिन ये मनोज गुज्जर दिव्या पाहुजा की माँ सोनिया पाहुजा को भी जानता है, और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों को भी। तो लबोलुआब ये है कि घुमा फिरा कर ये आदमी दो दुश्मनों बिंदर गुज्जर और संदीप गाडोली के बीच की सबसे अहम कड़ी है। अब आइए आपको आगे की कहानी बताता हूँ। उन दिनों गुरुग्राम में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद संदीप गाडोली अक्सर पुणे और मुंबई को अपना ठिकाना बना लेता था। वो कुछ दिनों तक वहां रुकता और गुरुग्राम में जब सब कुछ शांत हो जाता तो वो फिर से वापस लौट आता। हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गाडोली इस बार फिर गुरुग्राम से निकला है, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी है। पुलिस गाडोली का पीछा शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि गाडोली राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ गया है। अब पुलिस की एक टीम भिवाड़ी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाड़ी पहुंचती गाडोली भिवाड़ी से आगे निकल जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गाडोली जयपुर की तरफ निकल गया है। पुलिस अब जयपुर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक गाडोली जयपुर से निकलकर अजमेर चला जाता है। और आखिरकार अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि गाडोली राजस्थान से होता हुआ मुंबई पहुंच चुका है। और तो और हरियाणा पुलिस को यह भी पता चल जाता है कि वो मुंबई के किस होटल के कौन से कमरे में ठहरा, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। अब आप सोचेंगे कि आखिर उन दिनों हरियाणा पुलिस को गाडोली के हर मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पुलिस को कैसे पता चल रही थी। तो इसका जवाब है गाडोली के दुश्मन नंबर 1 गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने हरियाणा पुलिस से यही तो वादा किया था। और मुंबई पुलिस की माने तो गैंगस्टर गाडोली और उसकी लोकेशन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद गैंगस्टर गाडोली की गर्लफ्रेंड
दिव्या पाहुजा पुलिस को दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फोन पर अपनी मां सोनिया पाहुजा से बात कर रही थी। बातचीत कोड लैंग्वेज में हो रही थी ताकि गैंगस्टर गाड़ोली को पता न चले। मसलन, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इसका मतलब था कि दिव्या उस समय अकेली है और संदीप उसके साथ नहीं। ठीक इसी तरह, मम्मी मैं दवाई लेकर आई हूँ, मैं खा लूंगी, मतलब संदीप उसके साथ है। माँ सोनिया पाहुजा ये सारी बातें बिंदर गुज्जर के खास आदमी मनोज गुज्जर को बता रही थी और मनोज गुज्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। और इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाड़ोली की हर मूवमेंट, हर चाल की पल पल की खबर मिल रही थी। दिव्या पाहुजा का 164 स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने बताया कि वो सोनिया जो उनकी माँ है उनके टच में थी, किस तरीके से जगह जगह से वो उसे लोकेशन भेज रही थी। वो लोकेशन इसलिए भेज रही थी ताकि वो बता सके कि उस वक्त संदीप गड़ोली कहाँ मौजूद था। इतना ही नहीं कि संदीप गड़ोली ने जब कहा था कि वो मुंबई से कुछ कहीं और चले जाते हैं, उसने मुंबई में उन्हें रुकने के लिए तक कहा। और बस इसी तरह हरियाणा पुलिस संदीप गाड़ोली का पीछा करती हुई मुंबई पहुंची और उसने सोची समझी साजिश के तहत संदीप गाड़ोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया पाहुजा भी शामिल थी, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के आदमी मनोज गुज्जर ने न सिर्फ इस साजिश में शामिल कर लिया था बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का वादा भी किया था। और गुड़गांव पुलिस के लोग उनको एयरपोर्ट होटल में ट्रैक करने के बाद अंधेरी में आए और उनका फेक एनकाउंटर किया। गुड़गांव पुलिस ने एक फॉल्स एफआईआर फाइल किया मुंबई के अंदर, कहते हुए कि संदीप गाडुले ने हमारे पर एफआईआर फाइल फायर किया था और सेल्फ डिफेंस में हमने उसे मार गिराया। और इसको खारिज करने के बाद मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया जिसके अंदर हर एक इंसान का रोल सामने आया, खास तौर से दिव्या पाहुजा और उसकी मदर का, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था किस तरह से और कैसे लोकेशन शेयर किया था संदीप गाडोली का और उसकी वजह से संदीप गाडोली की फेक एनकाउंटर हुई थी। जाहिर है संदीप गाडोली का एनकाउंटर शुरू से ही शक के घेरे में आ चुका था और मुंबई पुलिस गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। ये मामला अब भी मुंबई की अदालत में है। लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहुजा को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाती, कोई नई शुरुआत करती, 2 जनवरी को गुरुग्राम में उसका कत्ल हो गया। फरवरी 2016 में संदीप गड़ोली नामक एक व्यक्ति की एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन जो कि अंधेरी ईस्ट में है, वहां पर गुड़गांव पुलिस के साथ एनकाउंटर में मृत्यु होती है। ये मृत्यु तब होती है जब संदीप गड़ोली अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ उस होटल में मौजूद था। संदीप गड़ोली के दो दोस्त, दो और कजाक लड़कियां, दिव्या पाहुजा, ये साथ में घूमने निकले थे। पहले वो जयपुर गए, जयपुर से फिर वो मुंबई आए और एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन में रुके हुए थे। इस पूरे वक्त में संदीप गड़ोली ने सबसे कहा हुआ था कि वो किसी से भी संपर्क ना करें, किसी को भी ना बताएं कि उनका लोकेशन क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। किसी को भी इस लोकेशन का पता नहीं चलना चाहिए था, ये संदीप गड़ोली ने कहा था, क्योंकि संदीप गड़ोली ये गुड़गांव पुलिस के कुछ केसेस में वांटेड था। इसके बाद अचानक गुड़गांव पुलिस उस होटल में पहुंची, वहां पर गोलियां चली और संदीप गड़ोली मारा गया। मुंबई से दिव्येश सिंह और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और हिमांशु मिश्र के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।